तो चलिए कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां एनटीए ने जारी किए हैं जेईई मेंस के नतीजे, जहां कोटा लंच कोचिंग के 6 स्टूडेंट्स को ओवरऑल 100% मिले हैं। छात्र कौशल विजय वर्गीय, दिशांक प्रताप सिंह, हर्षुल संजय भाई, सोहम दास, दिव्यांश हेमेंद्र शिंदे, कृष्ण गुप्ता को मिले हैं 100% जेईई मेंस के। कुल 9.6 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां एनटीए ने जेईई मेंस के नतीजे जारी कर दिए हैं। कोटा एलएन कोचिंग के 6 स्टूडेंट ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। छात्र कौशल विजय वर्गीय, सोहम दास, दिव्यांश हेमेंद्र शिंदे, कृष्ण गुप्ता को 100% अंक मिले हैं। तो 100% अंक छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। तो बड़ी ही देखिए खुशखबरी की ये खबर सामने आई है, जहां एनटीए के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनमें से इन विद्यार्थियों के द्वारा 100% अंक प्राप्त किए गए हैं। वहीं देखिए एलन इंस्टीट्यूट के लिए भी बड़ी गौरव की बात है, जहां पर देखिए 9.6% लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से इन छात्रों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। एक बड़े ही गौरव की बात है इन बच्चों के लिए भी, इनके माता पिता के लिए भी और उस इंस्टीट्यूट के लिए भी, क्योंकि 100% अंक इन बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। नाम आप इन बच्चों के देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है कोटा से, जहां जेईई मेंस के नतीजे सामने आ चुके हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर कोटा से जुड़ चुके हैं लाइव। भंवर, देखिए जेईई मेंस के नतीजे सामने आ चुके हैं और एलएन के कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए गए हैं, किस तरह का माहौल देखिए अभी देखा जा सकता है। देखिए एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट आधा दर्जन ऐसे कोचिंग स्टूडेंट्स का दावा कर रहा है जो कि एलन के क्लासरूम स्टूडेंट है, और उन्होंने जेईई मेंस के रिजल्ट जो आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया उसमें 100% हासिल किए हैं। टॉपर से मैं आपकी बात कराऊंगा, सबसे पहले ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 100% हासिल किए हैं। आप कहाँ से हैं, कब से कोटा में थे, क्या परिचय आपका? मैं ज्ञानेश हेमेंद्र शिंदे, मैं चंद्रपुर से, और मैं कोटा में 8वीं कक्षा से हूँ, तो अभी 5 साल हो गए मुझे। 100% आपने हासिल किए, तो किस तरह से ये मुमकिन हो पाया? मतलब रोज का जो काम आपको मिलता है, असाइन होता है, जो टीचर्स होमवर्क देता है, उसको अगर आप डिलीजेंटली करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्लियर रखेंगे तो और मेहनत करते जाएंगे और डीमोटिवेट नहीं होंगे। कभी ऊपर नीचे रिजल्ट होता है, तो अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो ये मुमकिन है ये रिजल्ट। मेंस एक तरह से पहला पड़ाव है इंजीनियरिंग का, आगे के लिए किस तरह से प्लानिंग किया है? आगे तो अभी एडवांस का एग्जाम होगा जून में, तो उसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दी है और उसके लिए मेहनत करना है और फिर आईआईटी में जाना है। वही ये सब क्या बिना कोचिंग के भी पॉसिबल होता है या फिर बिना कोचिंग के ये सब संभव नहीं है? बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, पर कोचिंग एक आपको एक दिशा देता है जिससे आप एक ही जगह पे अपने पूरे एफर्ट्स कंसंट्रेट करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कोचिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी प्रिपरेशन में, टीचर्स हेल्प करते हैं, आपके जितने भी डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करते हैं, तो कोचिंग का तो बहुत बड़ा हाथ है कोचिंग के बिना। तो ये बीच में कोविड भी आया, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग का भी पैटर्न चला, तो किस तरह से इस कोचिंग में जो बदलाव आए उसको उसके साथ आपने जेईई की तैयारी की? मतलब एलन का एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि जैसे भी हालात रहते हैं उनके हिसाब से खुद को अडाप्ट कर लेता है। कोविड के मुश्किल समय में जहाँ ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने बहुत ही जल्द अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी और हमारा कोई पढ़ाई का सा नुकसान होने नहीं दिया। तो एलन का मतलब एलन अच्छा दिन है, बड़ा दिन है 6 स्टूडेंट्स। बिल्कुल, बहुत खुशी का दिन है सर, बच्चों की मेहनत रंग ला रही है ना, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मदर्स एंड हम सबके लिए भी है ना। और एक बात जो आपसे कहना चाहूंगा मैं, जो आप इससे पूछ रहे थे कि कोविड के समय, सो इट वाज अ टफ टाइम फॉर स्टूडेंट्स आल्सो, और फैकल्टी के लिए भी टफ टाइम था, मगर सबने मिलकर एक दूसरे को विश्वास रखा और मेहनत करी, ऑफलाइन भी चला ऑनलाइन भी चला, और कहीं भी किसी ने अपना पेशेंस नहीं खोया, किसी ने अपना विश्वास नहीं खोया, एंड फाइनली दे गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन माँ से ज्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती, बेटा 100% लेके आया है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी है सर, और रात 12 बजे जैसे ही पता चला और सर का भी मैसेज आया कि मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुशी का ठिकाना नहीं था सर। जब बच्चे को कोटा भेजा था तब मन में क्या कुछ चल रहा था? सर एक्चुअली मैं पहले बेटी को लेकर आई थी यहाँ पे मेडिकल की, वो भी अजीब हो रहा है, समझा जा सकता है।